बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। उसका नाम है दीत्या, तुम्हारी मम्मा ने रखा है। बाल तुम्हारे सारे निकाल देंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विजया व्लॉग। सो यहाँ पे मैं आफ्टरनून से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे हम लोग आए थे नीचे दीता को घुमाने के लिए, झूला झुलाने के लिए। और एक और प्लान था कि सोचा कि दीता का टकलू कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी इसको बाल आ नहीं रहे हैं और सब कहते हैं कि 2-3 बार बाल उसको छिलवा दो तो शायद अच्छे बाल आ जाए। मम्मी भी कितने दिन से कह रही थी, तो सोचा कि आज करवा ही देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्जॉयमेंट करने के बाद मैं सोची कि अब जाते हैं और इसको टकल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत इन्जॉय कर रहे थे। दित्या मस्त खेल रही है, उसको झूला बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। जब से झूले में बैठने लगी तब से उसको झूला ही झूला चाहिए। मैं उसको पूछ रही हूँ मैं भी बैठ जाऊँ के बाजू में, अभी मैं बैठूँगी तो उसका रिएक्शन देखना। ऐसा लग रहा है कि नहीं मम्मा आप उठ जाओ, आप मत बैठो। अभी देखो मैं बैठ तो गई, बट उसको लग रहा है कि यार क्यों बैठ गई मम्मा, क्यों बैठ गई। बट फिर भी थोड़ी देर मैं झूली यहाँ पे हम आ गए हैं पार्लर में। एक बार और मैं पार्लर में पहले आई थी, उनसे पूछा था तो उधर बहुत भीड़ है, आज ना करवा तो अच्छा है, नेक्स्ट डे आ जाना। के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे, तो उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा, आप बैठो इंतज़ार करो। यहाँ पे लोगों को देखे देते बहुत खुश हो रही थी और लोग उसको देख के बहुत खिला रहे थे, मतलब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। जो यहाँ पे काम करने वाले थे, जो भी हेयर कटिंग वाले थे, सब लोग बहुत खुश हो रहे थे इसको देख के, और ये भी लोगों को देख के बहुत खुश हो रही थी। तो यहाँ पे आ गई अब दित्या की बारी और हम बैठ गए सीट पर। तो इसको लेके बैठना था, बोले कि इसको पकड़ो पकड़ो, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रही थी, वो देख रही थी। मतलब जो कटिंग करने जा रहे थे ना, उसको छीलने जा रहे थे बाल उसका, उन्हीं को देख रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैडम आपको सर पकड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने एक और स्टाफ को बुलाया, एक मैम थी उनको बुलाया, और उन्होंने इसके साथ बात करना शुरू किया, कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। तो वो ये डायरेक्ट उनको देख रही थी, तो फिर कैसे कैसे करके बाल इसके निकले। बाल तुम्हारे सारे निकाल देंगे। क्या हो गया, क्या हो गया, परफॉर्मेंस क्यों नहीं? अच्छा, वो 17 तारीख को ही है पापा। मैंने आपको बोला भी था 17 को ही है। क्या हुआ? हेलो। दीदी के साथ खेल रही हो? दीदी का नाम तो पूछ लो। दित्या दीदी का नाम क्या है? लो एक भैया आ गए आपके। इतने सारे लोग आ गए बाबा, इतने सारे लोग आ गए। रिसेप्शन का मेरे हस्बैंड के नंबर पे होगा, मैं उनसे पूछूंगी। मैं खेलना चाहती हूं। नहीं ऐसे नहीं बोलते, सबसे खेलना चाहती है ना, सबके साथ खेलने का मिलजुल के। मेरे हस्बैंड पे होता है तो मैं आपको। हाँ इतने सारे लोग आ गए आज तो। दित्या को मेरे घर क्यों नहीं भेजते आप? मेरे घर भेज दिया करो। किधर मालिश करो, सोएगी उठेगी खेलेगी फिर मालिश, सुबह 2 बार शाम को 2 बार ऐसा होता है। उसके बाद उसको सोने को चाहिए, दोपहर में मैं सोती हूँ, उसको लेके कसे कसर 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 करेंगे, कुछ तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट चाहिए। सुबह का उठो खाना आवाना, उठेगी फिर ये इनका नाश्ता, ये कितने बजे उठती है सुबह? ये आजकल देख रही हूँ 6 बजे उठ जा रही है। वेरी गुड। क्या क्या वेरी गुड इसमें? कितने बजे सोती है ये? 12 बजाती है आजकल, 12 बजा रही है। वैसे तो 11 बजे तक सो जाती है आराम से। 12 इसका नाम है दीत्या, तुम्हारी मम्मा ने रखा है नित्या, तुम बुला सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं करेक्शन कर दे रही हूँ आज। इसका नाम है दीत्या, नहीं रखा तुमने, तुम
हमारी सासू माँ ने दिया हमको दित्या नित्य इशू मत करे बड़े ग्राउंड में है उसके साथ खेलो आएगी आप लोग बस देखो दूर से कैसे आ रही फटाफट फटाफट के पास दित्या खेल रही है इसीलिए बच्चे खिला रहे हैं लोगे चलो आ गए पिताजी ओहो दित्या हम जाएं चलें घर चलें दित्या को एक बॉल दे दे नहीं नहीं कोई मतलब नहीं है बात कर लो बात कर लो बात कर लो नानी से बात कर लो नानी से बात कर लो बात कर लो नानी से बात कर लो बात कर लो क्या हो रहा है घूम के आ गई तो बोलो अरे अबे तू आई नहीं अबे तू आई अबे तू गई नहीं ना अभी गई नहीं ना अब कब आई है अब आई है हुआ जब अब जा नहीं रसोई हो क्या हुआ कब आई है जाइए अरे भाई विदेश की चॉकलेट खा रही हूँ मैं क्यों मेरे लिए तो अलग ही एक्सपीरियंस है ना विदेश तो जा नहीं सकती वहाँ की चॉकलेट खा रही हूँ विदेश लेकिन नाम तो कुछ होता होगा ना विदेश नहीं सुनो एक मिनट विदेश क्या नाम होगा कुछ तो कहाँ गया था विदेश को भी ना होता विदेश वो भाग गया क्या नाम तो भैया अरे जैसे वो दुबई का चॉकलेट ये दुबई का चॉकलेट लेकर आया था दुबई का चॉकलेट लेकर आया था अब ये विदेश का चॉकलेट है अब विदेश नाम कौन सा विदेश इन द सेंस बाहर आते उसी को विदेश कहते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट का है जो मुझे बोलने भी नहीं आ रहा मैं वहाँ की चॉकलेट खा रही हूँ मेरे नसीब देखो भाग है कितने खुले हुए हैं इतने खुले हुए कि मैं दुबई की चॉकलेट खा रही हूँ घर पे बैठे बैठे जा तो नहीं सकते हम लोग लेकिन ठीक है खा तो सकते हैं सूखा बनाओ मुझे ये इधर अब पक्का नहीं होना चाहिए हलवे की तरह होना चाहिए देखने हाथ मारेगी दित्य के पापा दित्य को क्या खाना खिला पाएंगे चलो अच्छी बात है वेरी गुड दित्य अभी आएंगे ना उसके ऊपर निकाल देना दोनों